ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज मैं वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ, कोई व्लॉग या फिर कोई अलग सी वीडियो, कोई वैसा मोटिव नहीं है। और थंबनेल देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कि वीडियो किस पे होने वाली है। तो यार सीधी बात पे आता हूँ मैं। अभी जो रिसेंटली एक रेप केस आया है डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का, मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी 150 करोड़ की आबादी का देश है और आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी औरतें बिल्कुल सेफ फील नहीं कर सकती। आज भी कोई बाप कोई माँ एकदम प्राउडली सेफली नहीं कह सकता किसी भी शहर में कि भाई हम अपनी लड़की को एकदम सेफ मानते हैं या फिर भेज सकें बाहर। ये कितनी शर्म की बात है। इस पे अब मैं आज कोई कॉलेज लाइफ व्लॉग नहीं बना रहा, कॉलेज लाइफ की बात करता हूँ। कॉलेज में यार सब होते हैं, ठीक है। एक बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जो तुम्हारे साथ हैं लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आज खुला डिस्कस करते हैं। कुछ लोग होते हैं लड़कियों से अनटशेंट बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं, न्यूट्स मांगते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो ऐसे लोग तुम्हें जहाँ भी दिखे यार उनको वहीं थप्पड़ मारो। कोई कानून की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये तुम अपने लेवल पे कर सकते हो ना चीज़। रिसेंटली क्या हुआ, मैं बात कर रहा था कठुआ वाला जब केस हुआ था रेप केस, कुछ जानकार है मेरे तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, डिफर कर सकता है पर सोचना तुम लोग भी इस पे। उस वक्त क्या हुआ, कुछ लोगों को मैं जानता था, वो शेयर कर रहे थे चीज़ें और उन्हें लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, अपना ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे शेयर करने से क्या हो जाएगा, क्या हासिल कर लोगे, कोई रुक जाएंगे क्या, रेप ये वो। अब मेरा एक सवाल है यार, तुम स्नैपचैट पे बर्गर पिज्ज़ा की फ़ोटो डालते हो, भेजते हो, स्ट्रीक बनाते हो, उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली सबको नहीं बोल रहा, तो उसका भी कोई सेंस है क्या, या कौन सी मूवी देखने गए। एक मैसेज तो स्प्रेड हो रहा है ना, लोगों को पता चलता क्या, या फिर वो रेपिस्ट तो मजे में होता। अगर इतनी चीज़ शेयरिंग ना हो, कुछ ना हो, सोशल मीडिया का सही यूज़ क्या है, यही तो है। आपके कुछ गलत हो रहा है समाज में तो उसको प्रेजेंट तो करोगे ना, वो चीज़ कहाँ प्रेजेंट होगी, जितना भी मीडियम आपको प्रोवाइडेड है वहीं तो होगी। तो उन लोगों से मेरा सबसे पहला सवाल है कि सालों तुम्हें जब खाने पीने की डालते हो तुम इतना नहीं कर सकते, तुम वैसे भी कुछ नहीं करना, तुम लोगों को वैसे भी कुछ बस की तो है नहीं, तुम्हारे करोगे नहीं, तो जो कर रहा है उसको तो करने दो अपने लेवल पे। मैं कह रहा हूँ बंदा अगर 0.9% भी कर रहा है कुछ काम, भले ही वो शेयर कर रहा है कुछ भी, आगे पहुंच रही है ना बात धीरे धीरे, लोगों में गुस्सा आ रहा है, तो वो तो करो कम से कम, कम से कम दूसरों को तो मत रोको अगर तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो। एक बात तो ये। अब आते हैं मेन बात पे कि यार हम एज अ सोसाइटी कैसे, एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्कूल स्टूडेंट कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। एक चीज़ मैं अभी बता रहा था कि यार आसपास ही होते हैं ऐसे लोग, कोई दूर, बहुत ज़्यादा सोच होती है ना एक आदमी की, तुम सोच पकड़ लो। एक इंसान होगा कोई नॉर्मल ग्रुप में फ्रेंड्स में बैठे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल बातें होती हैं कॉलेज में है स्कूल में कि हाँ ये लड़की अच्छी है, वो उतना ठीक है, समझ आता है। अब कोई अनाप शनाप कमेंट कर रहा है, उसकी सोच ही उसकी बुद्धि विकसित नहीं है, वो आदमी कोई भरोसा नहीं है आगे फ्यूचर में रेपिस्ट बन जाए, ऐसी सोच अपने आजू बाजू ही होती है। और तुम्हें अगर वो दिख रही है और तुम वहाँ टोक नहीं रहे हो, तुमसे भले वो ताकतवर हो, गुंडा हो, मवाली हो, कुछ भी हो, तुम अगर वहाँ नहीं टोक रहे हो तो तुम यार तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो कहीं ना कहीं कि भाई आगे फिर ये मत बोलो कि ये हो गया वो हो गया, फिर किसी की माँ बहन कोई सेफ कभी नहीं रह सकता। और ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ये चीज़ें इन पर प्रिकॉशन लिया गया, प्रॉपर एजुकेशन है। अब मैं वो बात भी ठीक है कि यार गाँव में जाके अपन ऐसे बार बार एजुकेट नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, गाँव में ज़्यादा है रेप का रेशो, वहाँ के लोग अनएजुकेटेड हैं। और ये प्रथा मैं बताता हूँ रूट कॉज क्या है, ये कोई आज से नहीं चल रहा कि रेपिज्म कोई अभी पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ गया हो, ये जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है ना ये तब की बला दी हुई है। और मेल जेंडर जो है वो डोमिनेटिंग जेंडर है, उसे ये होता है ईगो पे ले लेते हैं कुछ कि ये क्या हो गया या किसी लड़की ने कर दिया तो मैं इसका ये कर दूँ वो कर दूँ। मैंने ऐसा बहुत केस देखे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में ही, जो बंदे ब्लैकमेल कर रहे हैं बाद में कभी रिलेशनशिप में रहे हों, उस बंदी की उनके पास कुछ पिक्स पड़ी हों, तुम समझ रहे हो मेरी बात, कैसी पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यार उस वक्त जो थी चीज़ें वो आप तब रखो ना, बाद में दुनिया को बताने की क्या, उसको ब्लैकमेल कर रहे हो इसमें, और रेपिस्ट की
कोई थिंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि वो कोई सोल मतलब पॉसिबिलिटी है 100% की वो बंदा आगे जाके कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं है। तुम कितने ही हार्वर्ड में पढ़ लो चाहे IIT में पढ़ लो, अगर तुम्हारे आसपास ऐसा कोई बंदा घूम रहा है, बंदा ही नहीं बंदी भी, लड़कों के भी रेप होते हैं ठीक है, कोई भी ऐसा घूम रहा है उसको यार वहीं थप्पड़ मारो खींच के ठीक है, और अपने बिहाफ पे जो भी कर सकते हो करो यार, कोई किसी की बात मत सुनो, लोग बोलते रहते हैं बहुत कुछ, तुम अपने बिहाफ पे जो कर सकते हो जितना कर सकते हो, आसपास अपनी संगत ऐसी बनाओ कि ऐसे लोग तुम्हें ना मिले, मिले जहां तो वहां तुम पीटो उनको पकड़ के, और मैं बता रहा हूं कि इस पे लोग तुम्हें साथ ही देंगे, कोई मना नहीं करेगा, अपनी बात तो बोलो। अब एक चीज और, ये तो ही रेप की बात, इसमें दो तीन चीजें मैं और बताता हूँ लड़कों, अब मैं लड़कों के एंगल से बात करता हूँ कि यार कई लड़के होते हैं ठीक है, कोई सब इंसान ही है, लड़कियां भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई, तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, अभी फाइनल ईयर में हूँ मैं तो काफी केसेस देखे हैं, ये तो लड़कों का मैंने बताया कि वो कैसे ब्लैकमेल करते हैं क्या करते हैं, लड़कियां कैसे ब्लैकमेल करती, कुछ बात हो गई या पैसे से रिलेटेड कुछ भी, और ये एकदम सच्ची बात है, तो मेरे कॉलेज आओ मैं तुम्हें दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें मिलवा भी दूंगा बंदों से ठीक है। तो बंदियां क्या करती हैं कि यार पता है इस बंदे के पास पैसे वैसे हैं सारी चीजें हैं ठीक है, अब इंडिया में लड़की कोई कंप्लेन करती है उस पर चीजें स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अब गलती से भी वो बंदा थोड़ा ठीक ठीक है फैमिली में, मतलब अच्छी फैमिली से, लड़की ने जरा सा बोला नहीं उस बंदे का करियर खत्म, उसको बस ये बोलना इसने मेरे को छेड़ दिया, अगले दिन पेपर में न्यूज ना आ जाए तो बताओ, तो क्या ये चीज रेप के केस में नहीं हो सकती, या ऐसे अनडिसेंट चीजों के अलावा अगर हम एक्चुअल पे ध्यान दें, सभी जेंडर सब एक हो जाएं तो क्या ऐसा कुछ होगा, या फिर हमारी हम थिंकिंग बदलें थोड़ी सी, आज भी मैं बता रहा हूँ आज भी बड़े से बड़े कॉलेज में भी ठीक है, अभी हम लोग भी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी थिंकिंग बता रहा हूँ मैं कई लोगों की ऐसी है कि यार ये देख इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं क्या लग रही है ये वो, एक होता है आप कॉम्प्लीमेंट देते हो ढंग से अच्छे तरीके से वो समझ आता है, एक होता है कि आपका जो आदमी बोलता है ना जब, तो उसका लिहाज समझ आ जाता है उसके दोस्तों को भी, और बस हम ये होते हैं कि हम बोलते नहीं उस वक्त कुछ, वही हम गलती कर देते हैं, वही अगर थप्पड़ पड़े ना खींच के उसके माँ बाप के सामने बोल सकता है कि वो बात, तो तुम अगर उसके साथ हो कहीं हो तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे कि इतना काम कर देना, भला करेगा भगवान तुम्हारा, और अपने घर में माँ बहन हो वैसा सोच के देखना एक बार कि कोई कमेंट कर रहा है कुछ कर रहा है, तो हम तब भी ऐसे ही करते क्या, चुप रहते नहीं रहते तुम चुप, तो अभी मेरा अच्छा देखो यार दो तीन बातें और, अपन ने एक बात बोली अभी कि जो लोग शेयर करते हैं वो लोग बढ़िया हैं, पर यार एक बात सुनो, शेयर करके है ना कहीं भी रुका मत करो कि बहुत जल्दी रुक गए स्टॉप ले लिया, वो भी गलत है, जितना हो सके उसको आगे पहुंचाओ बढ़ाओ, अपने लेवल पे जो कर सकते हो करो, क्योंकि यार ऐसा नहीं है ना कि एक बार में कोई चीज़ नहीं होती, लगातार करते रहना पड़ता है, तो जो कुछ नहीं कर रहे उनको तो क्या ही बोलो, उनको तो छोड़ो, पर जो कर रहे हैं वो भी ऐसे रुको मत यार, खुद पे लेके देखो एक बार, खुद पे होता तो ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी रुक जाते हैं, करते हैं ना उसकी ऐसी तैसी करनी है, और उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो कर रहा है वो और करे, रुके नहीं एक दो दिन के बाद कि जोश ठंडा पड़ गया फीका पड़ गया, करते रहो बढ़िया लगे रहो। अब चलो अभी इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।